देखिए, हमारे चैप्टर का नेम जो है वो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। नो डाउट इसमें आपने जितने भी किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता होगा उसके रिगार्डिंग ही स्टडी करनी है इसमें, इस चैप्टर में। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो किस पर्पस को सॉल्व करता होगा, हमारे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जब एक एंटरप्राइज बहुत बिग हो जाती है, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरियस प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। चाहे वो प्रोसेस जो है वो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, राइट, और चाहे वो इन्वेंटरी से रिलेटेड है आपका, वो चाहे वो सेल से रिलेटेड है, किसी भी जो फंक्शन है जो प्रोसेस से वो रिलेटेड होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। रिक्वायरमेंट इन सेंस के उसको जो रिकॉर्ड करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आपको सेपरेट एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ता है। बट अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अगर हम सेपरेट सॉफ्टवेयर में रखते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करती है जिसमें मेरा डेटा क्या हो वो सेंट्रलाइज्ड हो। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ईआरपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये कैसे वर्क करता है। अल्टीमेटली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी सॉफ्टवेयर लगाती है तो उसमें क्या क्या रिस्क एंड कंट्रोल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना। देखो, रिस्क एंड कंट्रोल यहाँ तक आपने फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के रिलेटेड देखे हैं, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हम रिस्क एंड कंट्रोल्स की बात करेंगे वो ईआरपी एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात करेंगे। तो रिस्क एंड कंट्रोल हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था वो सेपरेट प्रोसेसेस से रिलेटेड था। चलिए, इस चैप्टर में जो वो बताता है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटा, नॉन इंटीग्रेटेड मींस सेपरेट सेपरेट सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं। फिर वो बताता है कि कोई भी जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। अब मॉड्यूल जैसे सेल्स का मॉड्यूल अलग होगा, प्रोडक्शन का मॉड्यूल अलग होगा, कस्टमर का अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट का सेपरेट मॉड्यूल होगा। फिर उनकी इंटीग्रेशन के बारे में बताएगा इस एनवायरमेंट में, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एनवायरमेंट में। फिर हमें कुछ वो रिपोर्टिंग सिस्टम या एमआईएस की बात करता है कि ईआरपी सिस्टम जब काम करता है तो वो मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट करके दे जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्यूरेट कर पाए, राइट। फिर उसके बारे बाद वो बात करता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इतने सारे मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कितना डेटा होगा उसमें, तो उस डेटा में से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंसी, इसके बारे में बताएगा। फिर बिजनेस रिपोर्टिंग कौन कौन सी आज के डेट में यूज होती है, बिजनेस रिपोर्टिंग करने के लिए हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के बीच में है। फिर हमारे हमें बताता है कुछ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी कुछ रिक्वायरमेंट्स हम फर्स्ट चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं। चलिए, जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करें मैं आपको ये सारा ओवरव्यू देती जाती हूँ। इसमें उसने बताया है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी सिस्टम का यूज करती है। वो सिस्टम कौन सा होता है, वो ईआरपी सिस्टम होता है। ईआरपी सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट को जो है वो सेटिस्फाई करता है। जैसे ईआरपी सिस्टम अगर मैं अकाउंटिंग अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, वो बैलेंस शीट और पीएनएल बना के देगा विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट। बट अगर उसी सिस्टम को मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो ये देखेगा कि ये सिस्टम मुझे बैलेंस शीट या पीएनएल जो है वो करेक्ट और ट्रू एंड फेयर पिक्चर देता होना चाहिए। अगर मैं मैनेजर्स या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या करता होना चाहिए, वो उसको राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के, और जब भी कोई सिस्टम डेवलप होता है इन सभी के पर्सपेक्टिव को जो है वो ध्यान में रखना होता है कि इन सभी की रिक्वायरमेंट को वो सेटिस्फाई करे।
तो ये ऊपर बताया हुआ है। फिर अल्टीमेटली उसने बताया कि व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। देखो कोई भी सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोसेसेस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। और ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो परफॉर्म किए जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता होगा। जो ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन एंड मिशन होगा उसको जो है उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। तो सिस्टम जो है बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। और ऐसे एक्टिविटीज का एक नेटवर्क होता है जो ऐसे भी काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। तो आप कोई एक डेफिनेशन यहाँ पर याद कर लेना सिस्टम के। कोई भी सिस्टम है, हर सिस्टम में पहले इनपुट आता है, वो आउटपुट जनरेट करता है, और उसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्यों यूज किया जाता है, कि हो सकता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए फीडबैक मैकेनिज्म उसमें यूज होता है, राइट। और उसको जो है मेंटेन किया जाता है और उसकी बाउंड्रीज डिफाइन की जाती है कि इससे ज्यादा वो काम नहीं, सिस्टम में इससे ज्यादा काम नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारी बाउंड्री है वो डिफाइन की जाती है सिस्टम की। तो कोई भी सिस्टम है, एक डेफिनेशन और ये तीन पॉइंट्स ये याद करना है। प्रोसेसेस क्या होते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जिसमें इनपुट होता है और आउटपुट जनरेट करता है और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। आप कोई एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि उसमें कैसा डेटा होता है। क्या ये आपको पहले से पता है कि डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में दो टाइप का होता होगा, एक मास्टर एक नॉन मास्टर। मास्टर डेटा जो रिलेटिवली क्या होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, परमानेंट होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही चेंज ही नहीं होता, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। नॉन मास्टर जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता होगा, ठीक है। तो आपको कुछ मास्टर और नॉन मास्टर डेटा के एग्जाम्पल देने होंगे। आप अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन सा मास्टर और नॉन मास्टर डेटा होगा, जैसे अकाउंटिंग मास्टर डेटा लू मैं, उसमें क्या क्या मास्टर होगा नॉन मास्टर होगा। अगर मैं बात करूं मेरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा मास्टर रहेगा, परचेज अकाउंट वो मास्टर रहेगा, लेकिन उसकी अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, नॉन मास्टर। इन्वेंट्री में क्या होगा, मेरी जो स्टॉक आइटम्स है, मान लीजिए मैं वाइट गुड्स में बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे एसी है, तो जो एसी है एसी का नाम तो एसी रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा फ्रिक्वेंटली, राइट। तो स्टॉक आइटम जो है जब उसको किसमें ग्रुप किया गया है, जैसे एसी 2 टन का हो सकता है, वो आइटम हो गया ग्रुप, मतलब वो किसको बिलोंग करता है, एसी को बिलोंग करता है। ऐसे ही फ्रिज हो गया, जो फ्रिज है आपकी 125 लीटर की है या आपने 500 लीटर के लिए कितने का लिया है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका आइटम का नेम या वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है वो तो जनरली क्या होता है, वो फिक्स रहता है। स्टॉक आइटम्स और ग्रुप वो जनरली फिक्स रहते हैं, हाँ उसकी क्वांटिटी जो है वो चेंज होती रहती। तो ऐसे कुछ आप एग्जांपल कोड करिए। पेरोल में क्या होगा, जितने भी हमारे पेरोल हेड होते हैं ना, एचआर हो गया, डीए हो गया, आपका कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये सारे हेड जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं। और इवन इनका जो परसेंटेज होता है वो भी रिलेटिवली परमानेंट होता है। तो इसकी अमाउंट चेंज होती है, बाकी जो हेड्स हैं वो जनरली सारे फिक्स्ड होते हैं। ऐसे में स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी में जो हेड्स हैं जैसे जीएसटी है, टीडीएस है, इवन इनके रेट्स जो होते हैं वो भी क्या रहते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं, वो मास्टर डेटा है। तो आपको अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, पेरोल, स्टैट्यूटरी, आप कोई हेड बताइए और बताइए कौन सा फिक्स्ड होता है। नॉन मास्टर इनमें जितनी भी अमाउंट जाएंगी, जितनी भी अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती है, हर हेड की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, वो नॉन मास्टर होती है। अब ये आप ये बताइए वंशिका, जो ओपनिंग बैलेंसेस हम डालते हैं क्या वो मास्टर होता है कि नॉन मास्टर होता है, क्या थ्रू आउट ईयर
चेंज होगा या ना, नहीं होगा वंशिका? मैम अमाउंट तो चेंज होता है। मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की बात कर रही हूँ। मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है, मेरी कंपनी का ईयर स्टार्ट हुआ है, मैंने हर हेड की ओपनिंग बैलेंस डाला है। क्या वो मास्टर रहेगा कि नॉन मास्टर, थ्रू आउट द ईयर वो चेंज होगा कि नहीं होगा? आई एम आस्किंग अबाउट ओपनिंग बैलेंस। चेंज होगा ओपनिंग बैलेंस कब चेंज होता है? मैम, कब नेक्स्ट ईयर जाएगा तो मैं, चेंज तो होगा ही। आप एक ईयर की बात करेंगे, एक ईयर की बात करेंगे, ठीक है? मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सा डेटा आपका मास्टर होगा, कौन सा नॉन मास्टर होगा, ठीक है? जब भी आप लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। आप किसके बारे में लिखना है कि थ्रू आउट द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेरा कौन सा डेटा मास्टर रहेगा, नॉन मास्टर रहेगा। जैसे मेरे सेंट्री क्रेडिटर्स रहेंगे ना, सेंट्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस वो मेरा मास्टर होगा, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो थ्रू आउट द ईयर जो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या रहेंगे, वो अमाउंट क्या रहेगा, नॉन मास्टर। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट मास्टर रहेगा, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर के, अर्पित बोलो, आप चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि आवाज तो नहीं आ रही आपकी। जैसे उसने एक एग्जांपल है कि आप अपना पर्सनल मास्टर डेटा देखो, आप में कौन सी चीजें जो हमेशा परमानेंट रहेगी, आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, आपका नेम, आपका एड्रेस, जनरली परमानेंट होता है, कभी कभी चेंज होता है ना, जो फ्रिक्वेंटली ना चेंज हो, ठीक है? ऐसा कुछ डेटा है आपके रिलेटेड, आपका डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, आपका जो नॉन मास्टर, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपका वेट, वो चेंज होता रहता है, आपकी एज, ओके। बाय मास्टर और नॉन मास्टर, मास्टर और नॉन मास्टर हम क्यों रखते हैं? देखो, मास्टर नॉन मास्टर इसलिए रखा जाता है ताकि हमें जो सॉफ्टवेयर में एंट्री ट्रांजेक्शन करनी हो उसमें दिक्कत ना आए। अगर हमें लगता है कि एवरी टाइम मैं कैपिटल को कैश ही लिखूंगी, हर बार मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना ना पड़े, हर बार मुझे कैश अकाउंट बनाना ना पड़े, क्योंकि एवरी टाइम कैपिटल का नाम कैपिटल ही रहेगा, कैश का नाम कैश ही रहेगा, लेकिन इसके आगे जो अमाउंट आएगी वो चेंज होगी, इसलिए वहां पर कर्सर आएगा, यहाँ पर कैपिटल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप मास्टर डेटा से उठाओ, वो अपने आप आपको कैपिटल अकाउंट वहां पर लिखा आ जाएगा। जैसे आप सीए का फॉर्म भरते हो तो आपका नेम, आपका एनआरओ नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे फील्ड जो है वो प्री फिल्ड आते हैं। अगर ना आते हो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना उसमें, बार बार हो सकता है, बार बार जब हम फिल करते हैं हम मिस्टेक भी कर सकते हैं। That's why there is a master and non-master data. फिर उसने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये देख सकते हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था डेटा पर, जिसने सिर्फ उसने डिस्कशन किया था कि मास्टर डेटा क्या होता है, नॉन मास्टर डेटा क्या होता है। दो वर्ड याद रखने हैं मास्टर में, मास्टर में याद रखना है कि जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता वो मास्टर होता है, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वो नॉन मास्टर होता है, और नॉन मास्टर जनरली अमाउंट्स होती है, बस इतनी बात याद रखनी है आपने, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, उसकी वाउचर टाइप। वाउचर्स मैंने आपको टैली में बताया था, वाउचर काउंटरा, अगर सिर्फ मनी का बिजनेस में ट्रांसफर, डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रही मनी तो काउंटरा, किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर, कुछ पैसा आ रहा है तो रिसीट वाउचर, आपने जो है नॉन कैश कोई ट्रांजेक्शन किया, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आपने आपका इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया, सैलरी ड्यू होगी, पेमेंट नहीं करी अभी तो जर्नल में जाएगा। सेल्स, जो आपका ट्रेडिंग है, जो जिसमें आप डे टू डे ऑपरेशंस करते हो बिजनेस के परचेज में, अगर आपने फिक्स्ड एसेट सेल परचेज किया है तो वो जनरल में जाएगा। क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट मींस कि अगर आप पार्टी को जो है क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट होगा, अगर पार्टी को डेबिट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स की, राइट, मैंने सेल्स जो है मैंने एबीसी को की 10,000 की, बट लेटर ऑन मेरे को पता चला कि 10,000 की अमाउंट नहीं थी, वो 11,000 की थी। अब इनवॉइस पे इशू हो ही गया, अब सप्लीमेंट्री इनवॉइस एक तरह से इसको कहते हैं, 1,000 का और मुझे इशू करना इनवॉइस, जैसे मैं 1,000 का और नोट इशू करूंगी तो वो पार्टी क्या होगी, डेबिट, तो क्या इशू करूंगी, डेबिट नोट। अगर मुझे इनवॉइस इशू करनी थी 9,000 की, पर कर दी मैंने 10,000 की,
ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब पार्टी क्या करूंगी, क्रेडिट 1000 से, तो कौन सा नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आता, सिर्फ मेमोराइज करने के लिए मुझे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो मेमोरेंडम में जाएगी। तो ये सारे के सारे वाउचर जो है किस मॉड्यूल को बिलोंग करते हैं, अकाउंटिंग। अगर मैं इन्वेंट्री मॉड्यूल की बात करूं तो उसमें मेरा रिकॉर्ड होता है परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉक जर्नल। अगर मुझे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे अपना सामान शिफ्ट करना है तो मैं स्टॉक जर्नल की बात करूंगी। अगर मैंने फिजिकल काउंटिंग किया है, कोई स्टॉक मेरा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो मैं उसको फिजिकल स्टॉक में रिकॉर्ड करूंगी। अगर जब मुझे सामान मैं भेजती हूँ, सेल्स ऑर्डर भेजती हूँ, साथ में डिलीवरी नोट जाता है, जब मुझे गुड्स रिसीव होती है तो रिसीट नोट आता है, डिलीवरी नोट सेल्स के साथ और रिसीट नोट परचेज के साथ। पेरोल, पेरोल में क्या होता है, एक अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग होती है, एक फाइनल सैलरी कैलकुलेशन। ये दो सिर्फ इसमें वाउचर टाइप होती है, अटेंडेंस एंड पेरोल, बस इतना ही याद करना है। इसमें टू कॉन्सेप्ट के, फर्स्ट इज डेटा मास्टर नॉन मास्टर एंड सेकेंड इज वाउचर टाइप, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग और पेरोल के अकॉर्डिंग। थोड़ा दिमाग में रखते जाओ, बाद में सुनूंगी अभी। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर हर एक का वाउचर नंबर जरूर होना चाहिए, बिकॉज वाउचर नंबर से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई ट्रांजेक्शन किस डेट से डेट को हुई है। अगर कस्टमर हमारे पास कोई वाउचर लेके आता है तो हम उसके नंबर से जज करते कि कब ट्रांजेक्शन हुई होगी। तो कुछ वाउचर नंबर है उसमें कुछ प्रिक्लैरिटीज होनी चाहिए वाउचर नंबरिंग की। क्या प्रिक्लैरिटीज होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक तो वो यूनिक होना चाहिए, हर वाउचर टाइप की जो नंबरिंग है वो सेपरेट होनी चाहिए। जैसे परचेज वाउचर है उसको P001 करो और सेल वाउचर को S001, क्योंकि अगर मेरे पास कोई वाउचर आया और वो S010 है तो इट मींस कि सेल वाउचर, देखते ही पता चल जाएगा, राइट। तो हर वाउचर टाइप की अलग अलग क्या होनी चाहिए, सेपरेट नंबरिंग सीरीज होनी चाहिए। हर एक का फिक्स या प्रीफिक्स होना चाहिए, कोई भी आप डाल सको। अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि किस ईयर से बिलोंग करता है ये वाउचर। और जो भी है वो नंबर सीरियली आने चाहिए, एक सीरीज में आने चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ बीच में स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, सीरियल आने चाहिए और क्रॉनिकल ऑर्डर। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिस अगर कोई 1 अप्रैल को वाउचर इशू हुआ है, कोई 2 अप्रैल को हुआ है, तो 1 अप्रैल का जो वाउचर है वो इसका बैक नंबर होना चाहिए, ये नहीं है आगे पीछे नहीं होने चाहिए आपके। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना होता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर में वाउचर नंबर डिसाइड करते हो। अच्छा, अकाउंटिंग फ्लो कॉन्सेप्ट ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वाउचर एंट्री तो वो ऑब्वियसली ह्यूमन डालेगा, बाकी उसकी पोस्टिंग, बैलेंसिंग, प्रायर बैलेंस, ये सब कुछ क्या करता है, कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेजर्स कितने टाइप के होते हैं, देखो डेबिट क्या क्या होता है, मेरे एसेट और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का इंपैक्ट कहाँ जाता है, P&L। एसेट का इंपैक्ट कहाँ जाता है, मेरा बैलेंस शीट। ऐसे क्रेडिट बैलेंसेस मेरे होते हैं इनकम एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का इंपैक्ट बैलेंस शीट, बट इनकम का इंपैक्ट P&L। तो टाइप ऑफ लेजर्स को आप एक्सप्लेन करते हो, फिर हम लेजर्स की ग्रुपिंग करते हैं। मैम आपकी आवाज थोड़ी वैसे आ रही है, कट रही है। हाँ, बीच बीच में। ग्रुपिंग ऑफ लेजर क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ लेजर होता है जैसे आपने देखा होगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं चाय पानी के, तो हम मिसलेनियस मींस एक तरह के एक्सपेंस को एक हम ग्रुप बना देते हैं कि इसी में ये वाले एक्सपेंस डाल देंगे। कुछ ग्रुप्स की उसने बात की हुई है जो ऊपर भी आए। तो ग्रुपिंग से क्या होता है कि जो वन टाइप ऑफ रिलेटेड लेजर्स होते हैं वो एक प्लेस पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स। जैसे लेजर्स आप और एग्जांपल देना चाहो कि हो सकता है मेरे से सप्लायर्स हैं, एक लोकल सप्लायर्स है, एक आउटसाइडर्स है, जो कुछ इंटरनेशनल्स हैं, तो मैं ये 3 ग्रुप्स बना सकती हूँ, जिससे कि मुझे अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना, जहाँ मैं इंटरनेशनल सप्लायर से कितनी ट्रांजेक्शन करती हूँ उसकी रिपोर्ट जनरेट करना आपका कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रुपिंग ऑफ लेजर। अब आपको बताएगा कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट।
ऊपर हमने जो पढ़े हैं सॉफ्टवेयर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसमें डेटा होता है, उसमें ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स होता है, उसमें वाउचर नंबर होता है, उसमें एक फ्लो होता है ट्रांजेक्शन का, वाउचर टाइप्स होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ऊपर पढ़े। टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक फ्रंट एंड होगा और एक बैक एंड होगा। यूजर ऑलवेज जो है इंटरेक्ट किससे करेगा, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किससे इंटरेक्ट करता है, बैक एंड से। ठीक है, बैक एंड जो है वो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जो फ्रंट एंड है वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसकी एक्सपर्टीज का किसमें होती है, इसकी एक्सपर्टीज होती है प्रेजेंटेशन में। इसका एक्सपर्टीज किसमें होता है, इसका एक्सपर्टीज होता है प्रोसेसिंग में। ठीक है, बाकी फिर इसमें थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है कि बैक एंड और फ्रंट एंड हम क्यों लेते हैं। पहला रीजन क्या है, डोमेन एक्सपर्टीज। रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेके उसने समझाया, ये एग्जांपल आप दोबारा से खुद रीड करना, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। डोमेन एक्सपर्टीज जो एक्सपर्टीज लेवल है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के दोनों के अलग अलग होते हैं। फ्रंट एंड का एक्सपर्टीज होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करने में, जबकि बैक एंड का होता है डेटा को हैंडल और उसको स्टोर करने में। प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन का काम होता है वो बेटर वे में कौन कर सकता है, हमारा फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर ही कर सकता है। मींस जो इंफॉर्मेशन देनी है वो कलर्स में, बोल्ड में, इटैलिक में, ताकि यूजर को इजीली ग्रास्प कर सके, दैट्स व्हाई, राइट। जबकि सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी, बैक एंड सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी नहीं होती है। ऐसे ही यूजर एक्सपीरियंस, जो फ्रंट एंड होता है वो हमेशा यूजर को गाइड करता है। जैसे आपको आते रहते हैं कि आप इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको गाइड करता है। ठीक है, आप कभी मिस्टेक कर रहे होते हो तो वो आपको हेल्प भी प्रोवाइड करता है। तो उसमें एक्सपर्टीज होता है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने में, ताकि यूजर जो है वो इजिली जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, जो उसको रिक्वायर्ड डेटा है उसको गैदर कर पाए। स्पीड, अगर देखो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों दोनों का काम एक ही पर्सन या एक ही सॉफ्टवेयर करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अब फ्रंट एंड सिर्फ रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, बैक एंड उसको प्रोसेस करने का काम करता है, तो इसलिए हमारी जो सॉफ्टवेयर की स्पीड है ना वो इनहांस हो जाती है। लैंग्वेज, फ्रंट एंड ऐसा होना चाहिए जो यूजर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता हो। बैक एंड में ऐसी कोई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैक एंड सिर्फ मशीन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, उसको यूजर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने का काम बैकएंड का नहीं होता, वो सिर्फ किसका काम होता है, फ्रंट एंड का। तो जब भी आप याद करेंगे तो डोमेन एक्सपर्टीज, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड और लैंग्वेज के बेसिस पे करता है। ठीक है, तो जल्दी से आप ये सारे पॉइंट्स करिए, मैं सुनूंगी आपसे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें तीन लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज पर यूजर रिक्वायरमेंट बनाया जाता है, ये हमने देखा था। और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैवी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसको यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसमें तीन लेयर्स होती हैं। अगर थ्री टीयर्स आपको याद हो, अभी हमारा चैप्टर आएगा तो इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। थ्री टीयर, एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक एप्लीकेशन लेयर होती है और एक डेटाबेस लेयर होती है। यहाँ पर इतना ही बताऊंगी, जब हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपकी एप्लीकेशन आप जो अपनी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे हो वो दो तरह की हो सकती है, या तो आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, या आप उसको कहाँ रख सकते हो, क्लाउड पे रख सकते हो। देखो अगर आप जो क्लाउड पे रखते हो तो हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको साइट पे तो एक्सेस करेंगे, इंस्टॉल अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो पहली चीज इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, मेरी, पर अगर वेब पर है तो क्लाउड वालों की होगी। एक्सेसिबिलिटी, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, मेरी कंपनी में सिर्फ इंस्टॉल है तो सिर्फ कंपनी की बाउंड्रीज के अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगी, बट क्लाउड पे है तो जहां मुझे चाहिए, जहां रिक्वायर्ड है, मैं एक्सेस कर पाऊंगी। मोबाइल एप्लीकेशन, अगर देखो मोबाइल एप्लीकेशन अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पर आप कहीं पर भी 24/7 कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो।
अच्छा, जो मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसका डेटा भी ऑब्वियसली मेरे सिस्टम में ही आएगा और उस पे मुझे मेरा फुल कंट्रोल होगा। बट अगर मैंने क्लाउड वालों को अपना सॉफ्टवेयर दे रखा है तो उसके डेटा पर भी कंट्रोल किसका होगा? क्लाउड का होगा। अगर कंट्रोल किसी और का है तो वहां पर रिस्क ज्यादा होगा, पर अगर मेरे पास है तो ऑब्वियसली कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मेरा डेटा जो है ज्यादा सिक्योर होगा। परफॉर्मेंस देखो, जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो वहां तो मैं जल्दी से उसको एक्सेस कर सकती हूँ, बट क्लाउड से उसको एक्सेस करना, कितनी स्पीड से एक्सेस करता है डिपेंड अपॉन माई इंटरनेट स्पीड, उस पर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैं ही अपने पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रही हूँ, उसको मेंटेन कर रही हूँ, उसका सारा जितनी भी मैनेजमेंट है वो मैं कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे ना, तो मेरा खर्चा बहुत होगा, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्लाउड वालों की बात है तो सारा खर्चा तो क्लाउड, मैंने तो सिर्फ रेंट ही देना है, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। देखो, अच्छा हम कर रहे थे इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होगा। देखो, इंस्टॉल में जो मेंटेनेंस करना है उस पर जो भी करूंगी खर्चा मैं खुद करूंगी, ठीक है, ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस होती है वो वेब वाले करते हैं, एक्सेसिबल, वेब को कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, इसको सिर्फ हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर कर सकती हूँ। इसका मोबाइल एप्लीकेशन बनाना डिफिकल्ट है, इसको इजिली मैं मोबाइल कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ। इसका डेटा जो स्टोर हो रहा है मेरे प्रमिसेस के अंदर हो रहा है, यहाँ पर क्लाउड पे स्टोर होता है। इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है, इसमें कम है। SLAs की बात आप कर सकते हो कि हम उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। परफॉर्मेंस जो होती है, जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो फास्टर होती है क्योंकि लोकली हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर डिपेंड उसकी करती है किस पे परफॉर्मेंस, इंटरनेट की स्पीड पर। फ्लेक्सिबल, इसको चेंज करना बार बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा खर्चा मुझे करना पड़ता है, यहाँ पर चेंज जो है वो इजिली कर पाते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड में, ठीक है। तो आप बताइए इसमें एम एम डी स्क्वेयर पी एफ कुछ तो याद करो यार, कुछ तो बनाओ तुम। सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, पी परफॉर्मेंस, एफ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। पॉइंट्स बताने हैं, जल्दी याद करो। अब वो बता रहा है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मींस हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, सेम बताना है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, मिसमैच डेटा होता है, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जब हमारा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ईआरपी। ईआरपी कौन सा सिस्टम होता है हमारा, इंटीग्रेटेड। सेम जो ईआईएस के मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको लिखवाए थे वो सेम आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, वो ही सेम रिपीटेड है, वो ही लिखना है आपको ईआईएस का। इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो, ईआरपी, किसी भी ईआरपी सिस्टम के क्या क्या फायदे होंगे। पहली बात तो वो इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में दिखाएगा, एक जगह पर, इंटीग्रेटेड वे में। मीन्स कहीं से भी डेटा चेंज होता है वो सेंट्रलाइज क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन एक प्लेस पर दिखाई देगी यूजर को। एक प्लेस मीन्स किसी कहीं भी किसी भी प्लेस से आप डेटा को एंटर करो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेटेड हो जाता है। इससे क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। अब रिडक्शन ऑफ लीड टाइम में आप क्या लिखोगे, कहता है एक लैप्स टाइम, बीच में टाइम होता है किस किस के बीच में, जब हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं, ठीक है, जब उसको रिसीव करते हैं उसके बीच के टाइम को क्या बोला जाता है, लीड टाइम। अब क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर या रिसीविंग, जो इंफॉर्मेशन होती है वो रियल टाइम में, यहाँ पर वर्ड क्या यूज करना है, रियल टाइम में एक्सचेंज होती है, तो जो इन दोनों के बीच का टाइम गैप है, लीड टाइम। लीड टाइम आपने देखा था, आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते थे तो ई ऑर्डर लेवल होता था, आपका ईओक्यू होता था, तो उन सब में लीड टाइम होते थे।
तो लीड टाइम जो है, अगर रियल टाइम में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, अब रियल टाइम में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगी, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। जैसे बिग बाजार है, बिग बाजार में क्या होता है कि जैसे ही वो बारकोड रीडर से अपने सिस्टम में एंट्री करते रहते हैं ना इन्वेंट्री की, तो वो ऑटोमेटिकली उनके जो बैकएंड के वेयर हाउस है उसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। वेयर हाउस को पता चलता रहता है कि इतना जो इन्वेंट्री है वो कंज्यूमर लेके जा चुका है, तो इट मींस कि यहाँ शेल्फ जो है खाली हो रही है। तो ये ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा है वो इंटरचेंज हो रहा है, तो वेयर हाउस को यहाँ से कॉल नहीं आती है, वो उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली फ्लैश होता रहता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो डिप्लीट हो रहा है। वो उसी टाइम जो है वो स्टॉक यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं। तो दैट मीन कि जो लीड टाइम था, कि जब ऑर्डर प्लेस किया और जब ऑर्डर रिसीव हुआ, उसमें जो लीड टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो रियल टाइम में जा रही है, इलेक्ट्रॉनिकली जा रही है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो दिस इज द एडवांटेज, कौन सा, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। बिग बाजार की एग्जाम्पल याद रखना। ऑन टाइम शिपमेंट, ऑन टाइम शिपमेंट क्या होता है, आपको भी पता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, अब आपको क्या ऑप्शन मिलती है कि आप उसको मंडे रिसीव करना चाहते हो, ठीक है, ट्यूसडे रिसीव करना चाहते हो, वेडनेसडे, या अपना प्रेफरेबल टाइम बताओ कि आप 9 to 11 के बीच में रिसीव करोगे या 7 o'clock के बाद करोगे। तो जब भी आप वहां पर टिक करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो शिपिंग कंपनी है, जो कुरियर कंपनी है, उसके पास पहुंच जाती। तो आपकी डिलीवरी जो है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग ऑन टाइम आपको करवा दी जाती, उसी डेट पे जिस डेट को आपने टिक किया होता है। तो इंटीग्रेटेड होने की वजह से जो प्रोसीजर ऑटोमेटेड है, तो एरर होने के चांसेस भी क्या हो जाते, मिनिमम होते हैं, और जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिल टाइम का मतलब होता है कि कंप्लीट ईआरपी सिस्टम में जहां जहां इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। साइकिल टाइम, साइकिल टाइम मींस ऑर्डर आने से पेमेंट रिसीव होने का जितना भी बीच में प्रोसेसेस है उनको कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, वो पूरा इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में जितना टाइम है वो सब कुछ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। देखो क्या होता है, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया, अब इसमें क्या लिखना है, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया, अगर इन्वेंट्री में वो अवेलेबल नहीं है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली क्या चला जाता है, मैसेज। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैसेज कहाँ चला जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर जो है प्लेस कर देता है। मीन्स सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली कन्वे हो रही है, तो किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का साइकिल टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हम सारा जो जितना भी काम है वो काम टाइमली कर रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, प्रॉपर होगी। हम किसी भी कस्टमर को एक एफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कस्टमर किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो दूसरा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कम है, हम उस पर अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। और इससे क्या होता है, अगर हम उनकी हर कस्टमर की को ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं, हम उनको जो है ऑर्डर टाइमली पहुंचाते हैं, उनके टाइम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहुंचाते हैं, तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। और ऑब्वियसली सप्लायर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। सप्लायर, क्योंकि ईआरपी सिस्टम में उनका कंप्लीट डेटा है, ईआरपी सिस्टम बताता रहता है कि सप्लायर को कब पेमेंट करनी है, वो ऑटोमेटिकली उसको इनिशिएट कर देता है, सप्लायर को टाइमली जो है पेमेंट मिलेगी, टाइमली जो भी है उसको ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लायर की परफॉर्मेंस भी, क्योंकि हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे रहेंगे और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी। इंक्रीज फ्लैक्सीबिलिटी, फ्लैक्सीबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, कोई भी कंपनी में, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, अगर कोई भी चेंजेस आए, जैसे आपने देखा अभी कोविड आ गया, कोविड आने से जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी पहले डिमांड ज़्यादा नहीं थी, उनकी डिमांड बढ़ गई। अगर मैं टीसीएस की बात करूं,
तो अभी उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाया जिससे हम जो है वेजिटेबल को वॉश करते हैं तो उसपे जर्म्स नहीं रहते, राइट? तो मींस जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, वो अपने सिस्टम में उसको अपडेट करते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। अब जो लोग है कॉन्शियस है, वो चाहते हैं कि ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अब ब्यूटी सोप नहीं खरीदता, अब वो सोप लेते हैं जिससे जर्म्स किल होते हैं। तो कोई भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं, अपने सिस्टम में चेंजेस करते हैं, जिससे कि जो वो इन्वायरमेंट की डिमांड को क्विकली जो है मीट कर सकते हैं। इससे क्या क्वालिटी कॉस्ट जो है रिड्यूस होता है। क्वालिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे सिस्टम में मुझे पता चल जाता है कि कस्टमर ने मेरे मेरे प्रोडक्ट को लिया, मेरे प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट था, ऑनलाइन जो है वो सारा कुछ दिख रहा है, मेरे प्रोडक्ट जो है ये मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में ये रिव्यूज दे रहा है, उन रिव्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ मुझे पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिस्टम में वो चीजें सारी अपडेट होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरी क्वालिटी कॉस्ट मीन्स अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो मुझे कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती थी वो मैं रिड्यूस कर दूंगी। कैसे? अगर मुझे पता चलता है कि मेरे कस्टमर में को मेरे प्रोडक्ट को यूज करने में दिक्कत आती है, तो ऑब्वियसली वो मैं क्या करूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दूंगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि कस्टमर को यूज करने में दिक्कत आती थी, वो मेरे इंजीनियर को बुलाता था, इंजीनियर वहां जाता था, उसको समझाता था, दिखाता था, ठीक है, उसमें मेरे जो कॉस्ट ज्यादा आती थी। लेकिन अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो उस पे कॉस्ट अब क्या होगी, कम आएगी। क्वालिटी कॉस्ट मीन्स मैंने अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज कर दिया, अब कस्टमर को दिक्कत नहीं आती, अब मेरा इंजीनियर नहीं जाता, उस पर जो खर्चा हो रहा था वो कम हो गया। मीन्स जब ईआरपी सिस्टम होता है तो मैं प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, और उसको क्या कर देते हैं, उस स्पेसिफिकेशन या उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करके हम अपने प्रोसेस को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो टाइमली मिल रही है, तो मैं यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस भी कर सकती हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर मैं न्यू प्रोडक्ट लेके आती हूँ तो मार्केट में मेरा कस्टमर उसकी कितनी डिमांड रखेगा, और अगर उसकी इतनी डिमांड होगी तो मेरी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो टाइमली मिल रही है, सारे मॉड्यूल से मिल रही है, तो ये व्हाट इफ एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा मेरी डिसीजन मेकिंग। क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो इन टाइम मिल रही है, अप टू डेट मिल रही है, तो मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। और आप क्यों ईआरपी सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि आप इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ये जो मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब यूज कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ ईआरपी। ज्यादा याद नहीं रखना, आप एक एक लाइन पॉइंट्स याद रखने हैं, एक एक लाइन याद रखनी है। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी में सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखाता है, जो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, रिसीविंग का लीड टाइम जो भी जितने भी होते थे वो कम हो जाते हैं, हमारी शिपमेंट टाइमली होती है, हमारा साइकिल टाइम पूरा, जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनका साइकिल टाइम जो है कम है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती है, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने आगे लिखी है प्लीज आप इसके सामने लिख लेना, ये वेयर हाउस की एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये कंप्लीट एक ये एग्जाम्पल दी है कि कस्टमर ने इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, ऐसा लिखोगे तो आपको याद रहेगा। मेरे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है, हाँ जी अर्पित बोलो, राइट? फिर मेरे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो गए, क्योंकि वहां पर लीड और साइकिल टाइम कम है, इसलिए मैं अपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर सकती हूँ, और मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, मैं अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करती हूँ, मेरे सप्लायर के रिलेशन अच्छे रहेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और मैं अपने जो सिस्टम है उसमें इजीली चेंज कर सकती हूँ, मेरी क्वालिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरी प्लानिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस लिख लो इसके आगे, मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, राइट? और मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आप लिख लो, ये यूज कर सकती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स आपको जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ईआरपी सिस्टम।
देखो जो भी ईआरपी सिस्टम है ना, उसके सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, हर एक टाइप की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट, सीआर, कैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसको हर टाइप की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसमें मीट करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम इन मॉड्यूल्स को बहुत अच्छी तरह आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वही लिखना है आपको जो मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगी ना, डेटा वेयर हाउस तो एक बार मैंने करवा दिया, वो लिखना है। ये जो मॉड्यूल्स हैं मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी, वही लिखना है आपको ऊपर। कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के नाम याद कर लेना आप। नेक्स्ट, रिस्क एंड कंट्रोल्स इन ईआरपी एनवायरनमेंट। अब आपको स्पेसिफिकली ईआरपी एनवायरनमेंट के रिस्क कंट्रोल, आपने चैप्टर वन में बहुत सारे प्रोसेसेस के रिस्क कंट्रोल पढ़े हैं, पर यहाँ पर कौन से रिस्क कंट्रोल आपने स्टडी करने हैं? ईआरपी के। पहले आप ईआरपी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि इसमें सेंट्रल डेटाबेस होता है, हर मॉड्यूल इंटीग्रेटेड वे में काम होता है, ये बताना है। फिर आप उसके रिस्क बताओ। अगर मेरा डेटा सेंट्रल डेटाबेस होगा तो यहाँ पर जो नॉन रिलेटेड पर्सन है वो भी तो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक ही जगह से तो सारे डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, वहीं से सभी एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी है कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो पर्सन है उसकी सैलरी चेक की जा सकती है किसके द्वारा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको कि फिर इसको कैसे मतलब कम किया जाए, इस रिस्क को कैसे कम किया जाए? कंट्रोल्स लगा के। आपको पता है ना कंट्रोल्स हम बहुत टाइप के लगाते हैं, कि जितनी हमने देखा था कि जितने भी उसको काम करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही डेटा एक्सेस करने का राइट उसको होना चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक रिस्क है क्योंकि सेंट्रल डेटाबेस है तो नॉन रिलेटेड पीपल जो है वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल डेटाबेस होने की वजह से जो डेटा की एंट्री है कोई और पर्सन कर सकता है और वो इनकरेक्ट एंट्री कर देगा। जैसे उसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो पर्सन है वो परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड कर दे, उसको तो इतना नॉलेज नहीं है तो वो गलत रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो इन ये दो मेन रिस्क दिए हुए, यही रिस्क आपने याद रखने। कौन सा? नॉन रिलेटेड पर्सन एक्सेस करें, जहां एक्सेस के बारे में बात की हुई है, यहाँ पर इनपुट के बारे में बात की हुई है, दोनों ही नॉन रिलेटेड पर्सन है। नॉन रिलेटेड पर्सन के थ्रू एक्सेस और नॉन रिलेटेड पर्सन के थ्रू इनपुट, टू रिस्क, बस ये याद करने। अब इनको कम करने के लिए जो है हम कंट्रोल्स लगाते हैं। कहते हैं ईआरपी में जो, देखो ईआरपी सिस्टम जो है बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। जो दो मेन रिस्क तो उसने ऊपर बता दिए, पहले कहता है आप रिस्क आइडेंटिफाई करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल्स लगाओ। जो रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, कहाँ कहाँ रिस्क आइडेंटिफाई करना है, आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे पीपल लेवल पर, प्रोसेस लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, अदर इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल जब पहली बार हो रहा है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जब हो चुका है उस तब क्या रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल्स को डिसाइड करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पीपल इशू। कहता पहला रिस्क आता है पीपल के थ्रू। जब भी आप ईआरपी सिस्टम लगाना चाहते हो ना, सबसे पहले रिस्क आता है पीपल। पीपल आपको रिस्क देता है। पहला रिस्क क्या होगा? चेंज मैनेजमेंट। देखो जब भी आप ईआरपी लगाओगे ऑब्वियसली इंप्लॉयज का जॉब प्रोफाइल चेंज होगा। जॉब प्रोफाइल चेंज होगा तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो दिस इज द वन रिस्क। अब इसके लिए क्या कंट्रोल्स जरूरी है, क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं? कहता आप उनको क्या दो, यूजर्स को ट्रेनिंग दो, उनको समझाओ कि इससे इसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं। आप प्रॉपर ट्रेनिंग और सारे प्रोसेसेस को जो है वेल डॉक्यूमेंटेड करो कि कोई भी पढ़ के इजिली उसको समझ पाए। ठीक है, पहला रिस्क। सेकेंड रिस्क क्या आएगा? कहता ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, वो चेंज होंगी। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन जो
ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन चेंज होंगे, उनका प्लानिंग, फोरकास्टिंग, जहाँ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, वो सब कुछ चेंज होगा। अब ये चेंज जब होगा तो लोगों को समझाना भी तो पड़ेगा ना कि अब उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, अब वो प्लानिंग कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करो, आप एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाओ। प्रोजेक्ट चार्टर में कंप्लीट बताया जाता है कि ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन आपको ट्रेनिंग देगा, कैसे कैसे होगा, वो सब कुछ बताया जाता है। और अपनी मिशन स्टेटमेंट को बताओ, राइट। और चेंजिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनदर प्रॉब्लम। आपने जो स्टार्ट किया था, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है, ऑब्वियसली आपको कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब चेंज होता है तो ये एक रिस्क आता है। इसके लिए आप क्या करो, आप प्रॉपरली जो है कंट्रोल प्रोसीजर लगाओ और बताओ कि किसके किस चीज के लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो। तो चेंज मैनेजमेंट में इतने करना, दो पॉइंट को ही याद कर लेना। पहले एम्प्लॉयज के प्रोफाइल में चेंज आएगा तो उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है। या सेकंड ये कर लो कि आपके स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में चेंज आएगा, उसके लिए आप क्लियर डिफाइनिंग कंट्रोल प्रोसीजर लगाओ और हर एक को बताओ कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो चीजें याद करो। ट्रेनिंग, ये नेक्स्ट एक रिस्क होता है, क्योंकि जब आप ईआरपी पर ट्रेनिंग देते हो तो बहुत खर्चा आता है, राइट। तो ओवरऑल आपका जो आपने बजट बनाया उससे ज्यादा हो सकता है, तो ऑलवेज मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को कंटेल करे। इसका कंट्रोल क्या है कि आप जिससे ले रहे हो हार्डवेयर, जब पैकेज वेंडर्स, जिससे भी वो सॉफ्टवेयर ले रहे हो, आप क्या करो, आप बताओ, बोलो कि वही आपके एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। जब भी कोई चेंजेस आएंगे उनके साथ एक एग्रीमेंट करो। दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रोल। स्टाफ टर्नओवर, देखो जब नए, क्योंकि जो ईआरपी सिस्टम है इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स। अब हर मॉड्यूल का एक दूसरे पर इम्पैक्ट जाता है, इंटीग्रेशन होता है, इस सब को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो जो स्टाफ टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, आप एक एम्प्लॉय को सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करो। आप क्या करो, उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग क्या करो, उनको टास्क जो है वो एलोकेट करो। जो एम्प्लॉय का स्किल सेट हो उसके अकॉर्डिंग टास्क एलोकेट कर दो। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, क्योंकि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेल होता है तभी होता है जब टॉप मैनेजमेंट अपना सपोर्ट देना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ह्यूज होती है। जब बहुत इन्वेस्टमेंट होने लग पड़ती है तो टॉप मैनेजमेंट कई बार कहता है नहीं, आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराना। तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने से पहले टॉप मैनेजमेंट का कंसेंट लो, उनसे बोलो कि इतने जो है बजट यहाँ तक जा सकता है, तभी आप इसको स्टार्ट करो, अदरवाइज नहीं। कंसल्टेंट, जो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ईआरपी हमारी बिजनेस में या हमारी कंपनी में लगाने आ रहे हैं, तो हमारी बिजनेस की इंटरनल वर्किंग को माइट भी ना समझे, उसके अकॉर्डिंग वो उस ईआरपी को जो है इम्प्लीमेंट ना करें, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो कंसल्टेंट के साथ आप एक मैनेजर को जो है, एक एम्प्लॉय को या किसी भी पर्सन को जो है डिप्लॉय करो, जो उसको बता सके कि उस जो आपकी कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, ताकि आपका ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो सके। तो जो पीपल इशू है, एक तो कंसल्टेंट लेवल पर आएगा, मैनेजमेंट लेवल पे आएगा, और बाकी सारा जो है वो एम्प्लॉय लेवल पे आएगा। एम्प्लॉय लेवल पर तीन पॉइंट्स आएंगे, चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और स्टाफ टर्नओवर, ठीक है। तो पीपल इशू, जब भी पीपल इशू लिखेंगे तो एम्प्लॉय लेवल पर आप चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर, ठीक है, और ट्रेनिंग के बारे में लिखना, फिर मैनेजमेंट का इशू लिखना, फिर कंसल्टेंट का लिखना। मैनेजमेंट का तो सीधा है कि मैनेजमेंट सपोर्ट करना बंद कर देगी, तो पहले ही उनसे एग्रीमेंट कर लो। ऐसे कंसल्टेंट हमारे इंटरनल वर्किंग को नहीं समझेगा, तो एक पर्सन असाइन करो, ऑफिसर असाइन करो, जो उसको इंटरनल वर्किंग के बारे में बता सके। बाकी इम्प्लॉयज के बारे में आप लिख सकते हो कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक है, या जो भी आप उनको उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप उनकी जॉब्स एलोकेट करो। तो जितना आप इसमें याद कर सकते हो, ऊपर वाले तीन पॉइंट में जितना याद कर सकते हो, दो तो ये वाले करने हैं, वो देखना है आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट रिस्क एंड कंट्रोल, जो आप पीपल लेवल पर देखते हो। अब आपको रिस्क आते हैं प्रोसेसेस लेवल पर, जब मींस जो ईआरपी है, ईआरपी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। जो प्रोसेस जो होते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट करना, मींस
यहाँ पर जब आप किसी ओल्ड सॉफ्टवेयर से न्यू सॉफ्टवेयर में जब चेंजेस करते हो सकता है कि आप प्रॉपरली जो है वहाँ पर मैनेजमेंट ना कर पाओ। मीन्स जो ओल्ड सॉफ्टवेयर से न्यू में आ रहे हो, मीन्स आप समझ ही ना पाओ कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन गैप बिटवीन डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड ईआरपी एनेबल्ड फंक्शन लाइक मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मतलब जैसे हम पहले एक्टिविटीज करते थे जो ईआरपी के थ्रू वो एक्टिविटीज की जाएंगी, हो सकता है उन दोनों में कुछ इन्फॉर्मेशन गैप रह जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, आप जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन लिंकेज करोगे। मींस जो भी एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी आपके कंपनी में हो रही होगी, उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन ईआरपी में आप अपडेट करोगे। दिस इज ओनली द वे कि आप जो है प्रोसेसेस को जो है वो रियल प्रॉपरली परफॉर्म कर पाओ। तो बस यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, रियल टाइम, दैट्स इट। बस बीपीआर, बीपीआर आपको करना है तो मैं समझा देती हूँ। बीपीआर आपने देखा होगा, बीपीआर क्या होता है, बीपीआर का मतलब बोलो मम्मी, वही कंट्रोल दोबारा बताना, ये ऊपर वाला प्रोसेस मैनेजमेंट का कंट्रोल, प्रोग्राम मैनेजमेंट द्वारा से करते हैं। देखो कहता है कि देयर कुड बी प्रोग्राम मैनेजमेंट का मतलब कंप्लीट आप जब प्रोसेसेस को करते हो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इंफॉर्मेशन गैप हो सकता है, आप जो भी डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जब ईआरपी अनेबल्ड फंक्शन कर रहे हो, क्योंकि जब आप इनिशियली फंक्शंस करते हो ना, तो उस टाइम कुछ मैनुअल कर रहे होते हो, कुछ ईआरपी के थ्रू कर रहे होते हो। जब पहली पहली बार जो है ईआरपी सिस्टम जो है किसी कंपनी में इंस्टॉल होता है, तो हो सकता है कि जो मैनुअली मैंने कोई फंक्शन किया, मैंने कोई एक्टिविटी की, मैंने सिस्टम में वो चेंज ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ईआरपी में वो कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, मेरे मैनुअल रजिस्टर में कुछ और दिखाएगा। तो इस जो रिस्क को कम करने के लिए वो कहता है, जो भी ऑपरेशनल हो रहे हैं तो क्या हो, कहता है दिस रिक्वायर ब्रिजिंग द इन्फॉर्मेशन गैप बिटवीन ट्रेडिशनल ईआरपी बेस्ड फंक्शन पहले जो कर रहे थे एंड हाई वैल्यू ऑपरेशनल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज एप्लीकेशन कैन प्रोवाइड रिलायबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन लिंकेजेस टू इनेबल द हाई क्वालिटी डिसीजन। मीन्स जो रियल टाइम लिंकेजेस आपको करना पड़ेगा, मीन्स आपका जो पुराना, या ऐसे समझ लो जो मेरा पुराना सॉफ्टवेयर था या मेरा न्यू सॉफ्टवेयर है। अगर आप बैंक्स की बात करें ना, बैंक्स में जब ईआरपी आया था तो उस टाइम वो स्टेप्स में आया था, ईआरपी सभी डिपार्टमेंट में इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो जो पुराना सॉफ्टवेयर है ये ईआरपी अनेबल्ड है, जो इनका पुराना ईआरपी था, जो न्यू ईआरपी है उसमें जो है रियल टाइम लिंकेजेस चेक करनी होती है कि जहां पर जब भी चेंजेस आए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट हो, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो रिलायबल हो सके। ये घुमा फिरा के बताया, आपको ये बताना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो ब्रिज करना है कैसे, दोनों सॉफ्टवेयर में जो ओल्ड है और न्यू है उनमें रियल टाइम लिंकेजेस होने चाहिए, दैट्स इट। रियल टाइम लिंकेजेस की बात करेंगे आप यहाँ पर। आप बीपीआर की भी बात कर सकते हो, बीपीआर तो आप जानते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किया होगा कि आप एक प्रोसेस को नहीं चेंज करते, आप थ्रो आउट जो भी बिजनेस वही कर रहे हो, लेकिन बिजनेस करने का ढंग जो है चेंज कर देते हो, वे चेंज कर देते हो, ड्रामेटिक चेंज। मीन्स आपका जो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, अब आपके कंपनी में 70-80% कॉस्ट कम हो जाएगी किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो कहता है जब भी आप कोई ईआरपी सिस्टम लगाते हो तो आपके सारे प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, मींस बीपीआर हो रहा होता है, तो आप बीपीआर को जस्ट चेंज मत समझो, ठीक है, उसको ड्रामेटिक चेंज करो समझो। उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ईआरपी लगाया है तो इसको जस्ट चेंज नहीं समझना, उसको क्या करना, मानना है ड्रामेटिक। इसके लिए कंट्रोल क्या होगा, आप अब फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंटेशन मत करो, अब क्या करो, प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाओ आप।
मीन्स एक पर्सन जो है बिगनिंग से लेके एंड तक वो सारे काम जो है वो क्लाइंट के करके देगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लोन लेना है अलग डिपार्टमेंट में जाऊंगी, ठीक है, मुझे सेविंग अकाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन अलग है, आरडी खुलवानी अलग, नहीं। अब प्रोसेस ओरिएंटेड करो, मीन्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करो, स्ट्रक्चर को चेंज करो, जॉब की डिस्क्रिप्शन को चेंज करो, परफॉर्मेंस जैसे पहले मेजर करते थे वो चेंज करो, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का सिस्टम सारा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर का नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ के ये वाला समझ सकते हो आप, बीपीआर के। बीपीआर आप जस्ट चेंज नहीं समझो, ड्रामेटिक चेंज समझो। इसके लिए कंट्रोल क्या है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दो कंप्लीटली, उन यूजर्स के ट्रेनिंग को चेंज कर दो, राइट। तो दो रिस्क किए हैं, पहले पीपल लेवल, पीपल लेवल पर पहले इम्प्लॉयज लेवल पर करना है, चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग स्टाफ, फिर टॉप मैनेजमेंट साथ नहीं दे रही, कंसल्टेंट उसको इंटरनल वर्किंग के बारे में नहीं पता। प्रोसेस रिस्क क्या है कि जब भी आप ईआरपी करते हो तो सारे प्रोसेसेस में चेंज आता है, तो आप सिर्फ जस्ट चेंज नहीं समझो, उसके लिए क्या करना है, आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है, आप अपने ट्रेनिंग को और जॉब डिस्क्रिप्शन को चेंज करो। तो ये तीन वर्ड यहाँ पर याद कर लो, इसको याद कर लो। फिर नेक्स्ट रिस्क क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजी के जब ईआरपी लगाया जाता है तो आपका जो जितना भी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है सब कुछ चेंजेस होते हैं, न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है। अब इनमें क्या क्या आपको रिस्क हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी पहला रिस्क जो है, कहता है ईआरपी जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, और इतने इतने सारे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो फंक्शन नहीं हो रहा है, वो आप कह लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक है वो फॉरेक्स में नहीं डील कर रही है, तो वो फॉरेक्स का फीचर मत इंस्टॉल करवाए, क्योंकि अगर वो सारे ईआरपी के फीचर्स इंस्टॉल करवा लेगी तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एम्प्लॉयज उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमेशा जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए तो आप सिर्फ उतने ही फीचर इंस्टॉल करें जितनी रिक्वायरमेंट है, जब फ्यूचर डेट में जितने रिक्वायर्ड होंगे वही फीचर इंस्टॉल करें, क्योंकि यहाँ पर माइरेट फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सारे फीचर्स को एकदम से आप उनको एक्टिवेट ना करें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइमली उसको जब फ्यूचर डेट में एक्टिवेट करें। ये पहले सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस। जैसे ही न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो जो पुराने ईआरपी सिस्टम है वो क्या हो सकते हैं, ऑब्सिलीट हो सकते हैं, राइट। क्योंकि नहीं, अब ग्रिड कंप्यूटिंग अगर आई है, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट किया था ग्रिड कंप्यूटिंग, जब वर्चुअलाइजेशन हर सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो चूज करें, तो आप उसका आर्किटेक्चर, उसमें क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, जहाँ उसको अपग्रेड करने में कितनी मुश्किल आएगी, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप उसको इंस्टॉल करवाएं। तो दो पॉइंट याद कर लो, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी क्या याद करना है कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सभी को एक्टिवेट नहीं कराना, जब भी आप इंस्टॉल करवाओ जितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको एक्टिवेट कराओ। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस में क्या लिखेंगे कि जब भी आप आईआरपी को सिलेक्ट करो तो आप उसकी टेक्नोलॉजी, उसका आर्किटेक्चर और उसमें कितनी जल्दी इन्हांसमेंट और आपके वेंडर आपको कितना सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सॉफ्टवेयर चूज करना है, दैट्स इट, इतना करना है आपको। अच्छा, कितना किया, फर्स्ट किस में किया, पीपल इशू। पीपल इशू में एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, टॉप मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, प्रोसेस में बीपीआर याद रखना है, और टेक्नोलॉजिकल में सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस, ये दो याद रखने हैं। फिर आ सकता है अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। जब इम्प्लीमेंट हो रहा है उस टाइम क्या आपको रिस्क आ सकते हैं, एक तो जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो एक साल में नहीं इम्प्लीमेंट होता, इट विल टेक 6 to 7 years, राइट। तो इतना लंबा टाइम गैप हो सकता है, तो हो सकता है कि जैसे जैसे न्यू फीचर्स आ रहे हैं आपके इम्प्लॉयज़ जो है वो फ्रस्ट्रेट के रोज नहीं कुछ चीज इंस्टॉल कर देते हैं, तो इम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ सकता है आपका। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, अगर इम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप जो है उनका लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करनी है यहाँ पर, ताकि आपके इम्प्लॉयज़ को में एंथुजियाज्म बना रहे थ्रू आउट जब तक ईआरपी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है।
और क्योंकि ये बहुत सारा इसमें फंड्स लगते हैं, तो जब आप पहले ईआरपी स्टार्ट करें तो जितने भी कंटीजेंसीज, मतलब इन फ्यूचर अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी जो है अब बहुत कॉस्टली हो गई है, पहले उसके लिए कंटीजेंसीज प्लान बना के रखें। दो पॉइंट बस ये कर लो। हाँ, एक डेटा एक्सेस जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जो है डेटा सेंट्रली स्टोर होता है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डेटा हमें नहीं रिक्वायर्ड है वो भी हमें एक्सेस कर ले। तो ऑलवेज जो है नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर ही डेटा एक्सेस होना चाहिए, ठीक है? किसको कितना चाहिए काम करने के लिए उसके अकॉर्डिंग। ये दो वर्ड याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप करेंगे। तो ये तीन पॉइंट्स आप कर लो इसमें, लेंथी इम्प्लीमेंटेशन, इनसफिशियंट फंडिंग और डेटा एक्सेस। अच्छा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जब पोस्ट इम्प्लीमेंट हो गया तो टेक्नोलॉजी में तो चेंज आते ही रहते हैं, आपको हर बार अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, अगर नहीं होगी तो आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मैनेजमेंट की और यूजर्स की यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो बस ये आपने पोस्ट में करने, स्टार्टिंग से करते हैं एक बार फिर से। अच्छा, किस किस लेवल पे आपने याद करने हैं? एक पीपल लेवल, पीपल में चेंज मैनेजमेंट, इम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग और स्टाफ टर्नओवर। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो आपने वर्ड याद करना है, ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट एक कीवर्ड है, सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको तो पहले से उनसे कमिटमेंट करवा लो। कंसल्टेंट इंटरनल वर्किंग को नहीं जानता। प्रोसेस में क्या याद रखना है? बीपीआर। टेक्नोलॉजिकल में तीन फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस और, अच्छा दो ही करने हैं इसमें, दो ही करने हैं। और अदर इम्प्लीमेंटेशन में लेंथी हो सकता है, इनसफिशिएंट फंडिंग और लास्ट का जो अभी डेटा एक्सेस करवाया आपको। और पोस्ट में तो कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। तो ये आपने याद करने, एक बार सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने, ये आगे वाले आपने पॉइंट्स पढ़ने, ये वाले जितने मैंने कराए एक बार ये पढ़ो, ये सुनूंगी मैं आपसे। जैसे एक कंट्रोल उसने बताया, कहते ईआरपी में हमने बताया कि काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई अनरिलेटेड पर्सन जो है हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? या अनरिलेटेड पर्सन जो है वो चेंजेस कर सकता है, ये दो मेन रिस्क थे। कहते इन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप एक कंट्रोल लगाओ, कौन सा? आरबीएसी। तो आरबीएसी क्या होता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मीन्स आप सभी जितने भी यूजर्स हैं, राइट, जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं, वेदर इट इज ए मैनेजर्स, इम्प्लॉई और कस्टमर, जो भी यूजर्स हैं, जो जिस रोल में हैं, अगर वो कस्टमर्स के रोल में हैं, या वो मैनेजर के रोल में हैं, या वो क्लर्क के रोल में हैं, ठीक है? तो जिस रोल में हैं उसके अकॉर्डिंग, उस रोल के अकॉर्डिंग आप उनके एक्सेस राइट्स डिसाइड करो। जैसे कहता है कि अगर कोई क्लर्क के रोल में है तो उसको जो है सिर्फ एंट्रीज करने का एक्सेस होना चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के क्या करेगा। ऐसे ही जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो जो है उसको इनपुट का एक्सेस मत दो, वो इनपुट थोड़ी करेंगे, वो एंट्रीज थोड़ी करेंगे, उनके पास पूरे जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखने का एक्सेस होना चाहिए। तो डिपेंड अपॉन आप किस रोल में हैं, जिस रोल में आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो आपको वही वही डेटा जो है वो एक्सेस होना चाहिए, आपको फिर इररिलेवेंट डेटा जो है वो एक्सेस नहीं होगा, जिससे कि जो सेफ्टी है वो सिस्टम की सेफ्टी इनहेंस होगी। तो आरबीएसी कहता है कि रोल बेस पर ही जो है आपका डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो ये डिफाइन करता है कि roles and privileges that lets employee having access rights only to the information they need to do their jobs and prevent them for accessing information that does not pertain to him. तो ये होता है actual में what? RBAC. ठीक है? तो फिर उसने बताया कि एक्सेस कितने टाइप के होते हैं। देखो, एक्सेस आपको दिया जा सकता है सॉफ्टवेयर कुछ क्रिएट करने का, डेटा क्रिएट करने का, उसको ऑल्टर करने का, उसको देखने का, या उसका प्रिंट लेने का। अब उसने एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ली है, कहता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कोई पर्सन डायरेक्टर है, तो बताइए कि उसको क्या क्या एक्सेस देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। डायरेक्टर को एक्सेस होना चाहिए, सारे रिपोर्ट्स, मास्टर, सबका एक्सेस होना चाहिए, लेकिन उनको क्रिएट करने का या ऑल्टर करने का एक्सेस उसको नहीं होना चाहिए।
वो सिर्फ देख सकता है, इन्फॉर्मेशन देखना है वो क्रिएट एंड ऑल्टर थोड़ी करेगा। ऐसे ही सेम किसके पास होने चाहिए, आपके सीएफओ के पास राइट्स होने चाहिए। हाँ, उसको क्रिएट और ऑल्टर करवाना है तो वो अपने इम्प्लॉयज को बोलेगा, वो खुद नहीं करेगा, राइट। ऐसे ही हेड ऑफ एचआर जो है उसके पास जो एक्सेस होना चाहिए, वो किसका एक्सेस होना चाहिए, इम्प्लॉयज के पे हेड, सैलरी स्ट्रक्चर, ये लीव सब कुछ क्रिएट करने का। जो नॉन रिलेटेड है, जैसे परचेज ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर है, ऐसी ट्रांजेक्शन या रिपोर्ट का एक्सेस उसको नहीं मिलना चाहिए, राइट। हेड जो जैसे एक पर्सन है वो हेड ऑफ अकाउंट्स है, तो उसके पास जितने भी अकाउंटिंग मास्टर ट्रांजेक्शन है, रिपोर्ट्स हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन जो अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं है डेटा, उसका एक्सेस उसको नहीं मिलना चाहिए। और एक अकाउंटेंट जो है वो एंट्री कर सकता है, उसको व्यू कर सकता है, पर उसके पास जो फाइनेंशियल, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको देखने का राइट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, टाइप ऑफ एक्सेस दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, तो कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, ठीक है। आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं।